आज लोगों के बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा नाम है, बाहर से बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला, पर भीतर क्या है? भगवत प्रेम नहीं है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष ही तो भरा है। बाहर से सब बढ़िया है, भीतर कुछ भी नहीं है। कोई बड़े से बंगले में रहता हो, बड़ी गाड़ी बड़ा नाम बड़ी प्रतिष्ठा हो, पर भीतर क्या भरा है? छल कपट ईर्ष्या द्वेष। और कोई घास की झोपड़ी में रहता है, पर भीतर भगवान के लिए अति प्रेम भरा है, भक्ति भरी है। अब आप ही बताओ कि कौन श्रेष्ठ है, जिसके हृदय में छल कपट है वो, या जिसके हृदय में भक्ति है वो? बिना भक्ति के आप में है ही क्या? आपके अंदर क्या है, क्या है बताओ? आपका शरीर मलमूत्र से ही तो बना है, पूरे शरीर में बदबू भरी पड़ी है आपके। आपके शरीर में किस अंग से खुशबू निकलती है जरा बताओ? कितना भी सेंट परफ्यूम आप डालते हैं फिर भी दुर्गंध ही आती है। ये शरीर हाड़ मांस का ढांचा है। क्या है शरीर में, अंदर क्या है? यदि अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवत प्रेम नहीं है, तो फिर है ही क्या? इसलिए गोपियों ने यह बताया कि अब जिनके लिए जीवन है वो तो आए नहीं, अब तो मर जाएंगी। ऐसा प्रेम है गोपियों का। अच्छा, गोपियां भगवान से चाहती क्या है? ये भगवान से इतना प्रेम करती हैं गोपियां, क्या चाहती हैं बदले में? हा? क्या चाहती हैं गोपियां भगवान से, क्या चाहती हैं बताओ? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। नहीं, अच्छा ये बताओ, आपने कहा प्रेम, जरा बताओ प्रेम किसे कहते हैं? भक्ति को? प्रेम और भक्ति पर्यायवाची है, जैसे पुष्प और सुमन पर्याय है, है ना? आकाश और गगन पर्यायवाची है, ऐसे प्रेम और भक्ति भी पर्याय है। बताओ प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की क्या परिभाषा है? आप लोग तो प्रेम खूब करते हैं, क्या है प्रेम बताओ जल्दी से? प्रेम किसे कहते हैं? आजकल लड़का लड़की प्रेम करते हैं, पढ़ने भेजा मां बाप ने, शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया, लव मैरिज कर लिया, कहा हम तो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं,